आप ये बादलों की ये गरज सुन पा रहे हैं और बारिश की ये रिमझिम सब ऐसे। Outstanding view और नेचर के इतने पास, इट्स ब्यूटीफुल। Under your spotlight. जनाब कमाल की बात यह है कि हमें यहाँ सिलेंडर और ये एक पतीला भी मिल चुका है और अब हम यहाँ क्या कुक करेंगे सवाद आज? लैम। लैम? व्हाइट मटन। व्हाइट मटन। इसको कहते हम यहाँ पे एक बाजार है गुलटेना भूलबंद से थोड़ा सही आ गया, तो वहां से हम फ्रेश मीट लेंगे। यहाँ से हमें फ्रेश मीट अवेलेबल हो गया और देखना हमने 1100 रुपये किलो के हिसाब से ये हमें दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छा फ्रेश मीट लग रहा है। अब क्या लेने लगे? देसी घी। अच्छा जी, ये हमारा मीट है, अभी बिल्कुल रॉ मीट है। इस वक्त हमारे जो मास्टर शेफ हैं वो हैं सबाहत। अच्छा सबाहत, ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ये सारी वेजिटेबल्स के बारे में। सबसे पहले क्या डालेंगे आप? ऑनियन, उसके बाद में साथ हम डालेंगे गार्लिक। अच्छा, साथ थोड़ा जिंजर डालेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये डालेगा, ठीक है। ऑयल और वाटर और सॉल्ट। अच्छा, इधर हम पानी डालेंगे, थोड़ा ऑयल है इसमें हमारे पास और सॉल्ट है और ये कढ़ाई मसाला, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ पानी डालेंगे, साथ सॉल्ट। हाथ रेसिपी ला दी है और इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? इसमें जब बेंच को रेडी होगा ना, फिर आप कैसा
अच्छा ये पानी कितना डाला आपने? समझना के एक लीटर एटलीस्ट। दो किलो गोश्त में एक लीटर पानी, ठीक हो। इसको दाम के हम रखेंगे? जी जी बिल्कुल, हल्की आंच पे अपना। अच्छा जी, अब हम इसको पकने के लिए, गोश्त को गलने के लिए रखने लगे हैं। अंदाजन कितनी देर तक ये चोई साहब? वन आवर एटलीस्ट, एक घंटे के लिए। ठीक है जी, रख दें जी। इसको अब हमने प्रेस में रख दिया। वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड अबाउट अबाउट दिस कुकिंग एंड अबाउट दिस व्यू। द व्यू, द व्यू इज ब्यूटीफुल। Yes, and no I'm having amazing time. Amazing time, no doubt. Yeah. In Bourbon. I recommend if you come in Bourbon, just stay. Which is a hotel name? Comfort Inn. I will mention. Yeah, Comfort Inn. Yeah. Comfort Inn. Dheemi aanch hai. Aur wah ji wah, ye piche nazare hain is shehar ke. अच्छा जी, तो ये तकरीबन दो से तीन घंटे के बाद गल चुका है और बहुत ही मज़े का भी हमने टेस्ट किया। तो उस बात हम प्लेट में डालें और खाते हैं। जो बाकी के एसेंस थे वो हमने इसमें डाल दिए थे, और दो से तीन, क्योंकि हाइट पे जब हम होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है गलने में। जी ऐसे जी, इसको तो लेकिन बहुत ही टेस्टी। जी ऐसे जी, इस बात प्लेट में डालें। ये बहुत ही अच्छा गोश्त बन चुका है और यहाँ के हम स्टाफ के साथ भी शेयर करेंगे। सुल्तान भाई ये लें, बड़ी मुश्किल से बने, बड़ा टाइम लगा है। बारिश की बूंदों से जो एक ख़ास किस्म का एक रिदम जो बनता है, जो वो आवाज़ होती है, वो किसी भी म्यूज़िक से बहुत अच्छी होती है और आपको आपको बड़ा फैसिनेट करती है। यहाँ पे मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि हम डिज़ायर करते हैं, हमने यूरोप की सैर करनी है, या हमने कनाडा देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। आप यकीन करेंगे, अगर आप अपने ही मुल्क को एक्सप्लोर कर लें तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई मुल्क हो नहीं सकता। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत मुल्क से नवाजा। सो फाइनली वी आर लिविंग दिस रूम। एक दिन का हमारा टूर था और बहुत अच्छा रहा, हमने कुकिंग की, बहुत मज़ा आया। स्पेशली जब आप ख़ुद कुक करते हैं और उसका जो आपको टेस्ट जो होता है वो आप बाहर से भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो खुद कुक करके चीज़ खाने का मज़ा है। और तो एक मुकम्मल पिकनिक हुई। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।